आठवां हिस्सा सबक नंबर 6 उन सूरतों का बयान जिनमें सिर्फ कजा लाजिम है। वो कौन कौन सी सूरतें हैं जिनमें सिर्फ कजा लाजिम आती है? रोजे के मुनाफी जो उमूर हैं, यानी खाना पीना और जमा, इन सब से जब भी कोई एक अमर जाहिरी या मानवी तौर पर पाया जाए या कोई शरई उज्र लाहिक हो जाए या शुबा और कता के बाइस या जबर वो इकराह की मौजूदगी में रोजा इफ्तार कर लिया जाए तो ऐसी सूरत में रोजा तोड़ने पर कजा वाजिब हो जाती है। मसलन ये गुमान था कि सुबह नहीं हुई और खाया पिया, बाद को मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी तो सिर्फ कजा लाजिम है, यानी उस रोजे के बदले में एक रोजा रखना पड़ेगा। भूलकर खाने पीने के बाद रोजा तोड़ दिया तो क्या हुक्म है? भूलकर खाया या पिया या जमा किया या नजर करने से इंजाल हो गया था या एहतलाम हुआ या मामूली कई हुई और इन सब सूरतों में ये गुमान किया कि रोजा जाता रहा, अब कसदन खा पी लिया तो सिर्फ कजा लाजिम है। कबले जवाल रोजे की नियत करके फिर रोजा तोड़ डाला तो हुक्म शरई क्या है? अगर सुबह को नियत नहीं की थी, दिन में जवाल से पेशतर नियत की और बाद नियत खा लिया या रमजान में बिला नियत रोजा रोजेदार की तरह रहा या रोजे की नियत की थी मगर रोजे रमजान की नियत ना थी और बाद नियत खा पी लिया तो इन सब सूरतों में कजा लाजिम है, कफारा नहीं। वो कौन सी सूरतें हैं जिनमें रोजे की मिसल दिन गुजारना वाजिब है? मुसाफिर ने अकामत की, हैज व निफास वाली पाक हो गई, मजनून को होश आ गया, मरीज था अच्छा हो गया, जिसका रोजा जाता रहा अगरचे जबरन किसी ने तुड़वा दिया या गलती से पानी वगैरह कोई चीज हलक में जा रही या काफिर था मुसलमान हो गया, नाबालिग था बालिग हो गया या रात समझकर सहरी खाई थी हालांकि सुबह हो चुकी थी या गुरूब समझकर इफ्तार कर दिया हालांकि दिन बाकी था, तो इन सब सूरतों में जो कुछ दिन बाकी रह गया है उसे रोजे के मिसल गुजारना वाजिब है, सिवाय नाबालिग के जो बालिग हुआ और काफिर के रमजान के किसी दिन में मुसलमान हुआ कि इन पर इस दिन की कजा वाजिब नहीं। गुरूब आफ्ताब में इख्तिलाफ के बावजूद रोजा इफ्तार कर लिया तो कजा है या नहीं? मसलन दो शख्सों ने गवाही दी कि आफ्ताब डूब गया और दोनों शहादत दी कि अभी दिन है, आफ्ताब गुरूब नहीं हुआ और रोजादार ने पहले दो का एतबार करके रोजा इफ्तार कर लिया, बाद को मालूम हुआ कि गुरूब नहीं हुआ था, तो इस सूरत में सिर्फ कजा लाजिम है, कफारा नहीं। नफली रोजा फासिद कर दिया तो कजा है या नहीं? अदाए रमजान के अलावा और कोई रोजा फासिद कर दिया अगरचे वो रमजान ही की कजा हो तो सिर्फ कजा है, कफारा नहीं। जिन सूरतों में रोजा टूट जाना बयान किया जाता है उनमें रोजे की कजा है या नहीं? वो तमाम सूरतें जिनमें रोजा जाता रहता है, मसलन कान में तेल टपकाया या नाक से दवा चढ़ाई या पेट या दिमाग की झुल्ली तक जख्म था उसमें दवा डाली कि पेट या दिमाग तक पहुंच गई और ऐसी ही दूसरी सूरतों में सिर्फ कजा लाजिम है, कफारा नहीं। हलक में आंसू या पसीना चला जाए तो कजा है या नहीं? रोजेदार के हलक में मीने की बूंद यानी बरसात की बूंद या औला जाता रहा या बहुत सा आंसू या पसीना निकल गया तो रोजा जाता रहा और कजा लाजिम है। रोजादार औरत से सोते में वती की गई तो क्या हुक्म है? रोजादार औरत अगर सो रही थी और सोते ही में उसे वती की गई या सुबह को होश में थी और रोजे की नियत कर ली थी फिर पागल हो गई और इसी हालत में उसी से वती की गई तो भी सिर्फ कजा लाजिम है। कबले जवाल रोजे की नियत की और फिर तोड़ दिया तो क्या हुक्म है? जिस जगह रोजा तोड़ने से कफारा लाजिम आता है उसमें शर्त यह है कि वो रमजान का रोजा हो और रात ही से रोजे रमजान की नियत की हो, अगर दिन में नियत की और तोड़ दिया तो कफारा नहीं, सिर्फ कजा लाजिम है।